काइट लवर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ पुरानी कारीगर की पतंगें दिखाने जा रहा हूँ। और ये जो पतंगें हैं ये इंडिया के टॉप मोस्ट कारीगर की पतंगें हैं। और जो ये पतंग भेजी है वो हमें भेजी हैं हर्ष भाई ने, जो दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्हीं पे ये सारी पतंगें हैं, तो उन्होंने हमें ये सेंड करनी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पतंग आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि चार खाना पतंग है और जो पतंग है बहुत पुरानी है। और मैं स्टैम्प भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये रहा स्टैम्प। और जो ये पतंग है ये है लाला प्रेमी की पतंग और ये बहुत ही पुराने कारीगर हैं लाला प्रेमी। चलिए अगली पतंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए स्टैम्प, ये पतंग है राजा पतंग मेकर मुरादाबाद के, बहुत ही फेमस कारीगर हैं ये भी। और ये रही इनकी पतंग चार खाना, देख लीजिए लंबे काट की पतंग है ये और बढ़िया है पतंग एकदम। नेक्स्ट पतंग तो ये देखिए, और जो इस पतंग में आप ऑरेंज वाला पेपर देख रहे होंगे तो भाई यही ओरिजिनल जर्मनी पेपर है, जो अब तो अवेलेबल है ही नहीं ऑल ओवर इंडिया, ये पहले ही चलता था। और जो अब जर्मनी पेपर आ रहा है वो मतलब इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जो ये पहले वाला था ये एकदम ओरिजिनल है। ये देखिए क्वालिटी देखिए आप इस पेपर की कितनी बढ़िया है। और पतंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बाबू खान की पतंग है और ये भी बहुत बढ़िया कारीगर है। अगली पतंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए गिलहरा पतंग है और जो ये पतंग है ये भी जो इसमें पेपर यूज हुआ है इसमें भी जर्मन पेपर का यूज हुआ है, ये देखिए। और ये वाली पतंग आप देख सकते हैं। और तो ये पतंग मैं बता दूं किसकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये पतंग है जहीर नियाजी की, बरेली के कारीगर हैं, बहुत ही बढ़िया है ये देखिए ये रही पतंग। और ये देखिए हमारे हर्ष भाई ने कुछ और पतंगें भी रखी हैं पुरानी, और आप ये को पतंग देख लीजिए कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने रखी है, एकदम पैक करके अलग अलग पन्नियों में जिससे कि ये ख़राब ना हो। और ये देख लीजिए पतंग जो है ये बहुत पुरानी है, कम से कम ये 10-15 साल पुरानी पतंग है। आपको पतंग का पेपर की क्वालिटी देख के पता चल ही जाएगा, एकदम पीला हो रखा है, बहुत पुरानी पतंग है ये। अगली पतंग ये देखिए, ये भी बहुत पुरानी है, पत्ता देख सकते हैं पूरा पीला हो रखा है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी पतंग होगी। नेक्स्ट पतंग ये देखिए सितारा, चांद सितारा पतंग है। और पतंग ये देखिए मिराज लिखा है, स्टैम्प तो क्लियर नहीं है लेकिन पतंग ये भी बहुत पुरानी है, बहुत बढ़िया पतंग है। अगली पतंग ये देखिए मछली का डिज़ाइन दे रखा है और घुटाई भी बहुत बढ़िया की गई है पतंग में, आप देख सकते हैं बहुत ही पुरानी पतंग है ये भी। नेक्स्ट पतंग ये देखिए चांदर पतंग है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पुरानी पतंग है ये भी, देख सकते होंगे आप। अगली पतंग, इस पतंग में आप देखेंगे एक बहुत यूनिक सा डिज़ाइन देने की कोशिश करी गई है, और किसकी पतंग है यार, मेकर का नाम तो साफ क्लियर नहीं है लेकिन पतंग बहुत लाजवाब है। और हमारे हर्ष भाई ने बहुत संभाल के रखी हैं पतंगें, तभी ये आज तक टिकी हुई हैं, वरना ये कब की ख़राब हो जाती। अगली पतंग ये देखिए चील पतंग। नेक्स्ट ये देखिए ये भी चील, ये देखिए ये भी बहुत पुरानी पतंग है। और देखिए जब भी आप पता लगाना चाहें कि पतंग पुरानी है या नहीं, तो आप इसके जॉइंट्स में देखा करिए, यहाँ पर हल्की हल्की फंगस लग जाती है तो जॉइंट्स एकदम ब्राउन पड़ जाते हैं, तो इससे आप देख सकते हैं कि भाई पतंग बहुत पुरानी है। ये देखिए बतख बनी है पतंग में। चलिए नेक्स्ट पतंग देखते हैं, ये देखिए दो बतख की बनी है। और सब जहाँ तक ये पौनी और अद्दी पतंग है, और ये देखिए टेपिंग कर रखी है एकदम बढ़िया तरीके से, और पतंग बहुत पुरानी है ये भी। अच्छा पतंग में लिखा है सुपर भारत और किसी कारीगर की स्टैम्प लगी है, तो यार आप मुझे बताइए कमेंट में कि ये जो पतंग है ये कौन से कारीगर की है। और पतंग देख सकते हैं आप, ऐसा डिज़ाइन आपको आजकल तो कहीं पर देखने को भी नहीं मिलेगा, पहली बनती थी ऐसी पतंगें। और ये किस कारीगर की पतंग है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये रही इनकी फ़ोटो, पॉज कर सकते हैं यार और आप देख सकते हैं। अगली पतंग ये देखिए गिलहरा, और पेपर का एकदम रंग भी उतर गया, इतनी पुरानी पतंग है ये देखिए। और ये बहुत पुराने कारीगरों की पतंग है यार, स्टैम्प भी क्लियर नहीं है, पता नहीं किसकी पतंग है, लेकिन जिसकी पतंग है पतंग बहुत बढ़िया है, ये देखिए। अगली पतंग देख सकते हैं, ये रही, ये भी बहुत यूनिक सा डिज़ाइन दिया गया है, ये देखिए पेपर की, मतलब पेपर में एकदम कलर भी उतर गया, इतनी पुरानी पतंग है ये। ये मेरे ख्याल से पतंग जो है ये भीग रखी है पानी में, तो इसलिए इनका कलर ऐसा हो गया है, लेकिन तब भी भाई ने बहुत संभाल के रखी है पतंगें, ये देखिए।
देखिए मछली टाइप की कुछ बना रखी है। ये रही गिलहरा, देखिए पेपर देखिए एकदम सफ़ेद पेपर हो गई और एकदम पीला पड़ गया, तो आप देख सकते हैं इतनी पुरानी। अच्छा तो ये पतंग है, तो ये पतंग है बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट काइट मेकर ऑल ओवर इंडिया। ये पतंग है अली नवाब साहब की और बहुत पुराने काइट मेकर हैं यार ये। ये देखिए एक और पतंग, ये भी देख सकते हैं। तो ये पतंग दोबारा आती है, अब मैं आपको इसमें फोकस करके दिखाता हूँ। तो ये पतंग है भाई अली नवाब साहब की पतंग है, और जो बहुत अच्छे जिनको पतंगबाजी करनी आती है तो उनको तो यार इनका नाम ज़रूर पता होगा, और अगर आप इनका नाम नहीं जानते हैं तो यार आप समझ लो कि आप पतंगबाज नहीं हैं, क्योंकि जो ये पतंग है ये अली नवाब साहब की है। और ये वही पतंग है, आपने यूट्यूब में देखी होगी एक अली नवाब साहब की डॉक्यूमेंट्री है, उसका जो थंबनेल है उनके हाथ में यही पतंग है। तो यार आप चाहें तो यूट्यूब में टाइप करके देखना, अली नवाब साहब डालना डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें जो वीडियो आएगी उसका जो थंबनेल है उसमें यही उनके हाथ में ही पतंग है। तो आप देख सकते हैं उनकी पतंग है यार ये। अब बहुत से काइट मेकर तो उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानते हैं अली नवाब साहब को, क्योंकि वो इतने बड़े काइट मेकर हैं। अब तो एज बहुत ज़्यादा हो गई है उनकी, लेकिन तब भी। ये देखिए एक और पतंग बढ़िया, ये रही, देखते जाइए आप पतंगे, किसकी पतंग है यार, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, देख लेना यार स्टैम्प, आप स्टैम्प थोड़ी क्लियर नहीं है लेकिन पतंगे बहुत लाजवाब हैं। ये देखिए ये तो जहीर नियाजी की पतंग है, ये देख सकते हैं आप बरेली लिखा है, जहीर नियाजी फैंसी काइट मेकर बरेली, जखीरा बरेली। ये भी देख सकते हैं, ये रही चारखाना, ये रही जफर राजा की स्टैम्प। ये देखिए पतंग, और ये भी बहुत पुरानी पतंग है, और आज की लास्ट पतंग ये देखिए सोनिक काइट। तो दोस्तों यार कलेक्शन तो बहुत बड़ा आया, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो छोटी सी बना रहा हूँ, और फिर इसका जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने पतंगबाज दोस्तों में, और मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको आज की सबसे बढ़िया पतंग कौन सी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।